माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, सामान्य चर्चा में आपने मुझे मौका दिया बोलने का, आपका धन्यवाद। माननीय मनोहर लाल जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया, हर वर्ग का ख्याल रखा गया, बेहतरीन बजट पेश किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का। इसके अलावा दादरी को सौगात दी, दादरी को जिला बनाने का, मेडिकल कॉलेज स्टेडियम सेक्रेट, चाहे ORB रोहतक रोड के ऊपर बाईपास, बहुत कुछ सौगात दी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कि दादरी का कुछ काम अभी पेंडिंग है, वो उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो हमारे शेषिया सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 203 एकड़ जमीन है, दादरी के अंदर अब तक कोई भी इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए कोई सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उसके अंदर उस जमीन को एक्वायर करके और उसके अंदर कॉमर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया जाए। दूसरी, नए बस स्टैंड का निर्माण, शहर के अंदर आ गया, भीड़ भाड़ इलाका, एक्सीडेंट होने का भय रहता है, इसलिए इसको बाहर शिफ्ट किया जाए। कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का तुरंत प्रभाव से काम शुरू किया जाए। उसमें एक मेरी और प्रार्थना है, किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति एजुकेशन से होती है। दो साल से कॉलेज दूसरी बिल्डिंग में चल रहे हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, उसमें स्टाफ की जो कमी है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। जो भावांतर का पैसा था वो अब तक किसानों को नहीं मिले। एक काफी समय से पहले भी हर सेशन के अंदर मैंने बात रखी थी कि हमारे दादरी के अंदर, दादरी और भैणी जिला खिलाड़ियों का हब है। 1952 से लेकर लीलाराम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट 1952 में लीलाराम रेसलिंग के अंदर, संजय वॉलीबॉल के अंदर, बॉक्सर हवा सिंह जी, जितने भी खिलाड़ी गीता बबीता, कितने इंटरनेशनल पहलवान है हमारे वहाँ, एक हम फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने के लिए तैयार हैं कि दादरी के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जिससे हमारे मेडल ज्यादा लेने की संभावना बढ़ेगी और जितनी भी सरकार उम्मीद करती है उससे ज्यादा हम मेडल देंगे। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 46 गाँव में जो हमारे पीने के पानी की समस्या थी, 14 गाँव का काम, वाटर टैंक नए बन के तैयार हो रहे हैं, बाकी का भी काम शुरू किया जाए। और एक मेरी बिजली मंत्री से प्रार्थना है कि बालडा के अंदर जो 12 हॉर्सपावर के कनेक्शन की, वोल्टेज की कनेक्शन की मंजूरी दे दी, बालडा के साथ लगता दादरी का भी इलाका है जिसकी हॉर्सपावर की मोटर से पानी खिंचाई नहीं होती, इसलिए बिजली मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है हमारे को भी 12 और फैसिलिटी दी जाए, जिससे लोगों का धान फसल ज्यादा उगाई जा सके। तीसरी बात और बता जाता हूँ, हमारे 2008 में हुड्डा सेक्टर डेवलप हुआ, उसके अंदर कुछ लोगों ने पहले मकान बनाए हुए थे, 138-40 मकान ऐसे हैं जिनको जमीन अलाट होनी थी लेकिन वो अब तक पेंडिंग चलता रहे, उनको जमीन दी जाए। एक काट मंडी शहर के अंदर, पुरानी मंडी है, शहर के अंदर है, उसके अंदर वहां से ओवरलोडिंग के कारण बाजार के अंदर समस्या रहती है, नई काट मंडी का निर्माण किया जाए, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद, इतना भी जल्दी हो उसके, चाहे ओवरब्रिज हो चाहे बाईपास हो, थैंक यू, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री